नवाट का जो कार्यक्रम यहाँ पे हुआ है तो खूब खुशी की बात है। क्या बोले ये हम लोग जल जमीन जानवर जन ये सब लोगों को साथ लेकर चलते हैं। पानी मिट्टी वातावरण किसान सबको साथ लेकर चलने वाला ये कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में हम लोग जलवायु परिवर्तन से जूझ रहे किसान उनको उनके साथ काम करेंगे ताकि उनको इम्प्रूव्ड वैरायटी जो फसलों की है वो मिले और यदि कम बारिश होती है फिर भी वो फसल से किसान नुकसान नहीं प्राप्त करे। साथ ही हम किसानों को नए फसलों के लिए भी अभी प्रेरित करेंगे कृषि विज्ञान केंद्र के परामर्श से मिट्टी की जांच कराकर कि यहाँ कौन सी अच्छी फसल होगी उस पर भी हम काम करेंगे, उनको ट्रेनिंग देंगे। साथ ही महिलाओं को जीविका चलाने के लिए मशरूम जैसे गतिविधियों में डेयरी में बकरी पालन में मुर्गी पालन में भी हम उनका सहयोग करेंगे। ये कार्यक्रम पूर्णतः नाबार्ड के अनुदान से चलेगा लेकिन इसमें अनुदान चूँकि सीमित होगा तो यदि हमारी कोई बाइडो यदि मशरूम में आगे बढ़ना चाहती है तो उसके लिए बैंकों के ऋण की भी व्यवस्था आसान तरीके से कराने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं क्योंकि बैंकों के बगैर विकास संभव नहीं है। सिर्फ अनुदान से विकास नहीं होता है, हमें अपने कर्म के बदौलत और बैंकों के ऋण से रास्ता आगे अख्तियार करना है ताकि हमारे क्षेत्र में विकास की लहर आए। और ये 70 किसानों का कार्यक्रम है नॉन वाटरशेड का नाबार्ड की। ये असम राज्य में मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि उदलगिरी की धरती को हमने चुरा है, पूरे राज्य में ये पहला कार्यक्रम है जो नॉन वाटरशेड में नाबार्ड यहाँ उदलगिरी में माजबात ब्लॉक में लेकर आई है। और हम शिलोंग कुटी के किसानों को अत्यधिक धन्यवाद देते हैं, उनको शुभकामनाएं देते हैं कि वो जुड़ें और एक मिसाल एक एग्जाम्पल पेश करें ताकि हम असम के और किसानों को इस कार्यक्रम से जोड़ सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। फसल में क्या क्या रहेगा? फसल में जैसे मैंने कहा इम्प्रूव्ड वैरायटी तो पैडी का इम्प्रूव वैरायटी होगा। वो फसल हम यहाँ जानते हैं कि यहाँ सूखा भी पड़ता है और नदी की बाढ़ भी आती है तो रुके हुए पानी में कैसे धान की फसल आए या फिर कभी का पानी कम हो जाए फिर भी धान की फसल चले, दूसरी फसल कैसे आए, अभी हम धान करके छोड़ रहे हैं दूसरी फसल हमारे किसान भाई कैसे लें, उसके लिए जल प्रबंधन की भी व्यवस्था इसमें की जाएगी। हम यहाँ के जो वाटर बॉडीज़ हैं पोखरी है उसमें भी काम करेंगे, साथ ही डोंग जो है यहाँ की पुरानी प्रणाली है सिंचाई की उसमें भी हम काम करना चाहेंगे। और जल प्रबंधन जो बारिश का पानी है नदी में बहने से पहले कैसे हमारे किसानों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाए, खरीफ में भी वो पानी ज़मीन में रहे, ऐसे प्रयासों को लेकर इस प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू। हम पास के ही गांव में एक आदिवासी विकास कार्यक्रम में थे और इसी कारण से आपके बीच में थोड़ा विलंब से आए हैं। हमारे मंच पे इस शिलोंग खूटी प्राइमरी स्कूल के प्रिंसिपल हैं, हमारे रिएक्ट के भारद्वाज जी और उनकी टीम, हमारे बीच में पत्रकार बंधु हैं और आप जिनके साथ हम इस कार्यक्रम को चलाने वाले हैं। जैसा कि भारद्वाज जी बता रहे थे कि आपके साथ महिलाओं के साथ मिलकर कुछ चर्चा हो रही है तो हम लोग आपसे यही आज इस कार्यक्रम को विधिवत शुरुआत करने के समय हम आपसे यही आग्रह करने आए हैं कि यह कार्यक्रम आपके विकास के लिए, ये कार्यक्रम नाबार्ड के विकास के लिए नहीं है, ये कार्यक्रम किसानों के विकास के लिए है। तो इस कार्यक्रम से जुड़कर लाभ, इस कार्यक्रम से जुड़कर बेनिफिट आपको उठाना है और इसके लिए आपको रिएक्ट संस्था या फिर हमारे जो लोकल ऑफिसर हैं गौरव जी उनके द्वारा बताए गए रास्ते पे चलना होगा क्योंकि यह कार्यक्रम है आपकी सहभागिता का कार्यक्रम, यह कार्यक्रम है आपके परिश्रम का कार्यक्रम। हम सिर्फ रास्ता दिखा रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं कि यहां से तेजपुर जाने का रास्ता क्या है, लेकिन तेजपुर यदि पहुंचना है
तो आपको ही उस रास्ते पे चलना होगा। बाधाएं तो आएंगी, आपको दिक्कत होगा, हो सकता है कहीं रोड खराब मिले, उसका टायर पंचर हो जाए, हो सकता है आपके गाड़ी को कोई और तकनीकी खराबी आ जाए, आप समय से तेजपुर नहीं पहुंच पाए, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन आपका लक्ष्य जो तेजपुर जाना है उसमें कोई बदलाव नहीं आना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि इस कार्यक्रम से जुड़कर आपको जिस विकास के रास्ते पर चलना है उस पर आपको कुछ भी हो जाए उस रास्ते को छोड़ना नहीं है। यदि आप ये करने के लिए तैयार हैं तो फिर इस कार्यक्रम से आपको लाभ जरूर मिलेगा। दूसरी बात है, इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम खेती में नए प्रयोग और साथ ही साथ आपके खेतों पे जल प्रबंधन पे भी ध्यान देंगे। जल भी बहके धनश्री नदी में चला जाता है, कैसे वो पानी आपके खेत में रहे। जब हम लोग यहाँ आ रहे थे तो हमने देखा एक सिंचाई की नहर नुमा, या बिहार में उसको आहर कहते हैं, यहाँ शायद डोंग कहते हैं पानी का। हमारा किसान भाई यदि चाहे कि दिसंबर महीने में, नवंबर दिसंबर महीने में कोई फसल उगाई जाए तो उसके लिए उसको पानी नहीं मिलेगा। तो इस कार्यक्रम के अंतर्गत वर्षा जो बादल से बारिश होती है उसको नदी में जाने से कैसे रोका जाए ताकि आपके मिट्टी में पानी का मात्रा बना रहे, आपके खेत में फसल हो सके, इसका भी प्रबंधन सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही साथ जलवायु परिवर्तन आप देख रहे हैं, हम यहाँ धनश्री नदी के किनारे देख रहे हैं काश के फूल, हम हिंदी में उसे काश कहते हैं, ये उजली वाले फूल जो लगे हैं, वो फूल आता है तो लोगों को जो ठंड में शारदीय नवरात्र होता है उसकी याद आती है या फिर ठंड का एहसास होता है। लेकिन जिस प्रकार का धूप आज है, ठंड तो बहुत दूर है, तो परिवर्तन है जो हमारे